गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें अब तक हमने अल्कोहल और फिनॉल के चैप्टर्स फिनिश किए हैं और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं ईथर्स एंड इपॉक्साइड। अल्कोहल और फिनॉल के सभी वीडियोस कॉलेज की वेबसाइट पे तथा हमारे केमिस्ट्री फॉर बीएससी पार्ट टू यूट्यूब चैनल पर भी दिए गए हैं। इनके लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिए गए हैं। आप सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और इनको देखकर अपने नोट्स बनाएं। आज हम शुरू करते हैं ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। अब ईथर, ईथर क्या कंपाउंड होते हैं, ध्यान सुनो, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। ईथर में सिंपल ROR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ईथर। नॉर्मली दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके अनुसार। जैसे मान लो ऐसे एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, आर आर डैश का मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, इनका मतलब है कि दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। अब सेम वालों को हम क्या बोलते हैं, सिमिट्रिकल ईथर, सममित ईथर, और इन्हें क्या बोल देंगे हम, अनसिमिट्रिकल ईथर, असममित ईथर। जहां तक इनके जनरल फार्मूला का सवाल है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। तो जैसा कि आपने ध्यान हो एल्कोहल का चैप्टर में पढ़ा है, एल्कोहल का भी जनरल फार्मूला ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें कि एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, कि एल्कोहल तथा ईथर क्रियात्मक समूह समावयव हैं, यानी दोनों में क्रियात्मक समूह डिफरेंट है लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, सेम है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम में पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इसे जनरल नॉमनक्लेचर आइसोमर जब पढ़ेंगे हम ईथर्स का, फिर ईथर्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज, फिर हम इपॉक्साइड्स पढ़ेंगे। इपॉक्साइड जो है साइक्लिक ईथर्स होते हैं। एनीवे चलो अब इसकी बात करते हैं। ईथर्स कम से कम कितने कार्बन चाहिए ईथर बनने के लिए, एक एल्काइल ग्रुप इधर एक एल्काइल ग्रुप, कम से कम दो कार्बन का ईथर हो सकता है। तो पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, C2H6O। C2H6O से केवल एक ईथर पॉसिबल हो सकता है, CH3CH3। नॉमनक्लेचर का रूल देखें, हर कंपाउंड में सबसे पहले अपन क्या कर रहे होते हैं, नॉमनक्लेचर आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स में नंबर ऑफ आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉमनक्लेचर का आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम जरूर आने चाहिए। जैसे कॉमन सिस्टम में जितने भी ईथर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल ईथर। हिंदी में भी डाई एल्काइल ईथर ही बोला जाएगा, डाई एल्काइल ईथर। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हों तो उन एल्काइल ग्रुप को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईथर। जैसे यहाँ पर दोनों एल्काइल सेम है तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। IUPAC में जितने भी ईथर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन। हिंदी में भी एल्कॉक्सी को एल्कॉक्सी लिखा जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है, एल्कॉक्सी एल्केन। तो मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या बन गया, मिथॉक्सी। मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या बन गया, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप किसमें लगा है, एक कार्बन में, तो नाम क्या बन गया इसका, मिथॉक्सी मीथेन। पता चल रहा है, नाम का रूल आना चाहिए, डाई एल्काइल ईथर या एल्काइल एल्काइल डैश ईथर। अलग अलग एल्काइल ग्रुप हों तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख के उसके नाम के आगे ईथर लिख देते हैं। IUPAC में हमेशा इनको क्या बोला जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। मान लो दो एल्काइल ग्रुप हैं, एक छोटा है और एक बड़ा ग्रुप है, तो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप को हमेशा क्या मानेंगे, एल्कॉक्सी, और दूसरे वालों को क्या मानेंगे इसमें हम, एल्केन मानेंगे। चलो इसका एक आइसोमर पॉसिबल हो सकता है, पहला आइसोमर एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं C3H8। अब इसके नंबर देखने के लिए देखो, तीन कार्बन है, इनको बाइफर्केट करके देख लीजिए क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। तीन कार्बन को हमें दो ग्रुप में बांटना है तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 2+1 या 1+2, एक ही बात है। तो केवल एक ही आइसोमर होगा, यानी इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ईथर का केवल क्या बन सकता है, एक ही आइसोमर बन सकता है, और वो एक आइसोमर कौन सा होगा, CH2O CH3। अब नाम लिखना है वापस, देखिए ध्यान से, रूल सुनो, दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो नाम क्या बन गया इसका,
इथाइल मिथाइल इथर, इथाइल मिथाइल इथर। आईयूपीएसी नाम का सवाल है, देखो आईयूपीएसी में एल्कॉक्सी एल्केन, अभी क्या बताया था, छोटा वाला अल्काइल, छोटा अल्काइल ग्रुप ही है, इससे क्या बन जाएगा मिथॉक्सी, ये ग्रुप क्या बन गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ग्रुप किस में लगा हुआ है इथेन में, तो नाम लिख दीजिए इसका, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी इथेन। नाम लिखने के लिए हमेशा रूल समझने की कोशिश करा करो, एक बार अगर आपको रूल आ गया तो उसके बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी नाम लिखने में। ओके, एक ही आइसोमर पॉसिबल है और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट है C4H10O। सबसे पहले बात यह आई कि C4H10O जो हैं उसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, कितने ईथर बन सकते हैं, फिर उनके नाम आने चाहिए। अब C4 का आइसोमर देखने के लिए देखो चार कार्बन है, तो चार कार्बन को हम बाइफरकेट कैसे करेंगे, 3+1 2+2, लेकिन प्रोपाइल कितने होते हैं दो, तो इस कॉम्बिनेशन से कितने बन जाएंगे दो आइसोमर, इससे कितने बने एक आइसोमर, तो टोटल कितने आइसोमर बन जाएंगे समावयव, टोटल समावयव की संख्या कितनी हो जाएगी तीन। ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, 3+1 2+2, तीन को हमने दो क्यों कहा कि तीन का मतलब है प्रोपाइल, अब आपको पता है प्रोपाइल कितने होते हैं दो, ये तो जब भी मैं क्लास लेता हूँ आपको रिवाइज कराता रहता हूँ, मिथाइल केवल एक होता है, इथाइल एक होता है, प्रोपाइल दो होते हैं, ब्यूटाइल चार होते हैं, पेंटाइल आठ होते हैं, सबके टिप्स पे होने चाहिए, कभी भी आपको नंबर ऑफ आइसोमर में दिक्कत नहीं आएगी। चलो इन तीनों के नाम लिखते हैं, तीन के 3CH2CH2OCH3, एक दूसरा आइसोमर लिखा, अब हमने लिखा आइसोप्रोपाइल, तीसरा आइसोमर लिखा दोनों तरफ इथाइल, दोनों तरफ इथाइल, तीन आइसोमर बने इसके, ये आना चाहिए नाम। अब देखो छोटे वाला अल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा है मिथाइल, ये ग्रुप कौन सा है नॉर्मल प्रोपाइल, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। आईयूपीसी में क्या हो जाएगा देखिए, ये ग्रुप लगाया कौन सा मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन क्या है एक, तो नाम क्या बन जाएगा मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन क्या है इसके अंदर वन पोजीशन, देखो यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप कौन सी पोजीशन में लगा है प्रोपेन की वन पोजीशन पर लगा है, ठीक है, तो नाम क्या बन जाएगा वन मिथॉक्सी प्रोपेन, वन मिथॉक्सी प्रोपेन, वन मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पर वही वापस मिथॉक्सी ग्रुप है, लेकिन अब मिथॉक्सी ग्रुप ये तीन कार्बन की चेन पोजीशन नंबर टू पे मिथॉक्सी लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा टू मिथॉक्सी प्रोपेन। ये सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, सिंपल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे इसको इथॉक्सी इथेन, आईयूपीएसी में क्या बोला जाएगा इथॉक्सी इथेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करो, देखो जैसे हमने एल्कोल में बताया था, हम बोलेंगे केवल एल्कोल शब्द बोलें, कोई नाम नहीं लें प्रोपाइल एल्कोल इथाइल एल्कोल, केवल बोलें एल्कोहल, अभी आजकल हमारे सैनिटाइजर्स में एल्कोहल यूज हो रहा है, तो हम ये थोड़ी लिखते हैं कौन सा एल्कोहल, एल्कोहल बेस्ड है, तो एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है वो बोलने की जरूरत है इथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार जब केवल ये बोलते हैं ईथर, कुछ नहीं बोला कि प्रोपाइल ईथर या डाई मिथाइल ईथर, प्रोपाइल मिथाइल ईथर, केवल ईथर हमने बोला, केवल ईथर का मतलब होता है डाई इथाइल ईथर, जो सॉल्वेंट के रूप में ईथर यूज करते हैं, रिएक्शंस में सॉल्वेंट के रूप में ईथर यूज किया जाता है, कभी हम बहुत सारे रिएक्शन लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की उपस्थिति में, तो वो जो ईथर होता है वो कौन सा होता है डाई इथाइल ईथर। ओनली ईथर का मतलब हमेशा समझ जाओ डाई इथाइल ईथर, किंग ऑफ ईथर डाई इथाइल ईथर, ईथर ओनली, बाकी सब तो और उनका नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन केवल ईथर लिखा हुआ है तो ये पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा ईथर, उसका मतलब ही क्या होगा डाई इथाइल ईथर। आया आप लोगों को तीन। चलो अब एक चीज़ बताना मेरे को, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे और आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आइसोमर मान लो C5H12O, मैं इसमें केवल एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि इसमें इस फार्मूला से संबंधित ईथर की संख्या क्या होगी, कितने ईथर संभव होंगे इस फार्मूला से, केवल एक ही चीज़ पूछा आपसे कि इस फार्मूला से संबंधित कितने ईथर होंगे। तो उसको करने के लिए देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट स्टेप करके अपने आप देखिएगा, सब वापस रिवाइज करिएगा। आप पांच कार्बन है तो पांच का कॉम्बिनेशन क्या बना 4+1 3+2,
और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, या तो 4+1 हो सकता है या 3+2 हो सकता है, 2+3 और 3+2 एक ही बात होगी। अब चार, चार में क्या होगी, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कितने होते हैं, चार होते हैं। अभी आपको बताया था प्रोपाइल, प्रोपाइल कितने होते हैं, दो, प्रोपाइल दो, तो टोटल कितने आइसोमर हो गए इसके जी, सिक्स आइसोमर हो गए। कितने आइसोमर हो गए इसके, सिक्स आइसोमर। तो ये होमवर्क है आपके लिए कि ये जो छः ईथर होंगे इस फार्मूला से, उनको आप अपने रफ कॉपी में लिखें, उनके नाम लिखने की कोशिश करें, तो आपको प्रैक्टिस होगी इसकी, कैसे हम ईथर के नाम और आइसोमर्स लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं नॉमनक्लेचर में हम, जैसे देखिए आप एरोमेटिक ईथर हो सकते हैं पॉसिबल। अब एरोमेटिक ईथर के अंदर हमने सबसे पहली एग्जांपल लिखते हैं, बेस एग्जांपल एरोमेटिक ईथर कौन सा बन गया, OCH3। अभी क्या लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप किसमें लगा है, बेंजीन में, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका, मिथॉक्सी बेंजीन। कॉमन सिस्टम में जो रूल बताया था वही रूल चलेगा, ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, ये ग्रुप कौन सा है, फिनाइल। तो इसका कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे तो क्या नाम बन जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या नाम बन जाएगा इसका, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब देखिए इसमें, इसको हम जो है एरोमेटिक सिस्टम जब भी अपन पढ़ते हैं, तो एरोमेटिक में इसको किस नाम से जानते हैं, हम एनिसॉल नाम से जानते हैं। जब भी इस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन है तो एनिसॉल आपको याद होना चाहिए, ये कॉमन नेम, ट्राइबल नेम आपको याद रखना पड़ेगा, एनिसॉल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसॉल बोलते हैं। डन, ये एरोमेटिक ईथर का बेस एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और हो सकता है, ये देखिए दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम क्या बन जाएगा, डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। एक चीज और देखिए यहां पर आप, ये एग्जांपल देखिए आप, ये वाला एग्जांपल नोट करें आप, देखो ये ईथर के मैंने आइसोमर बताए थे आपको, एक ये आइसोमर, एक ये आइसोमर और एक ये, इन तीनों एग्जांपल को देखो, इससे एक टर्म आएगा आपको नॉमनक्लेचर में, और आइसोमर जब हम पढ़ते हैं, ये तीनों कौन किसका एग्जांपल शो करें, दे आर मेटामर्स। हिंदी में भी इनको मेटामर्स ही बोलते हैं। मेटामर्स का क्या मतलब होता है, मेटामर्स का मतलब क्या होता है, देखिए कि बायोवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए। आइसोमेरिज्म का एक टाइप है मेटामेरिज्म, उसी में इनको क्या बोलते हैं, मेटामर। तो मेटामर बहुत आसान शब्दों में समझो आप, क्या होता है कि बायोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप दो दो ग्रुप लगे होंगे दोनों तरफ इसके, तो इन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, उनकी साइड चेन अलग अलग है। जैसे इसके अंदर प्रोपाइल है, इसके अंदर आइसोप्रोपाइल है, इसके अंदर दोनों कौन से हैं, इथाइल है। ये क्या होता है, मेटामर्स। एल्काइल ग्रुप के साइज दोनों तरफ अलग अलग हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स। तो ये आ सकता है ईथर का अच्छा एग्जाम्पल होता है मेटामेरिज्म, कि कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करते हैं तो पता होना चाहिए आपको, कौन से शो करेंगे। पहली बात तो ग्रुप कंडीशन उसकी है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए बायोवेलेंट, बायोवेलेंट का मतलब क्या होता है, द्विसंयोजक, द्विसंयोजक मतलब उसके दोनों, ये फंक्शनल ग्रुप ये है तो दोनों तरफ ग्रुप लगे होंगे, तभी उनके साइज अलग अलग होंगे और तभी वो क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। अब देखो एक थोड़े से डिफिकल्ट नाम बताता हूँ मैं आपको, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि अभी आपके कोर्स में आता नहीं है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में बता रहा हूँ और उनके नाम आपको आने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इपॉक्साइड्स भी हैं, तो इपॉक्साइड्स का मतलब होता है साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर का मतलब सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा बनेगा, साइक्लिक ईथर का सबसे पहला एग्जाम्पल बन गया ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, देखो व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेरेन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑक्सीरेन। वैसे हम क्या बोल सकते हैं इसको, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, इपॉक्साइड ही बोलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन। कंपाउंड क्या नाम बोल रहे थे, ऑक्सीरेन। ओके, चार कार्बन का रिंग बनाया, अब चार कार्बन का रिंग है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीटेन। पांच कार्बन का रिंग बनाया हमने ऐसे, पांच कार्बन का रिंग बनाया, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोलेन, ऑक्सो। इनको हिंदी में भी ये नाम नाम चेंज नहीं होता हिंदी में कभी भी, जैसे छह कार्बन का रिंग बनाया
बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे अपन, 6 कार्बन का रिंग बनाया, इसे क्या बोलते हैं ऑक्जेन। ऑक्जेन में एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है देखो आपके लिए, 2 ऑक्सीजन लगा दिए, 1 और 4 पोजिशन पर कितने ऑक्सीजन लगाए, 2, 4, इसे क्या बोलते हैं 1,4-dioxane, 1,4-dioxane। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये इपॉक्साइड के एग्जाम्पल हैं, साइक्लिक ईथर्स, ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड है, विषम चक्री कंपाउंड है, कौन से यौगिक हैं, विषम चक्री यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, कैसे कंपाउंड्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्री यौगिक। तो इनके नाम बहुत ध्यान से देखें आप, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्जेन, 1,4-dioxane, 1,4-dioxane, इस प्रकार से इनके नाम हम याद करने हैं आपको। तो बहुत अच्छी तरह इनके नाम, नॉमनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हर चैप्टर के शुरुआत में आपको आने चाहिए। तो शुरुआत के जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके 1 या 2 नंबर के, उनको इसमें से आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं आपको। तो इस पेज का आप देखते समय आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसको रिवाइज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आप, नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, बॉन्डिंग ऑफ ईथर, बॉन्डिंग ऑफ ईथर में, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि देखिए आप, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। नेक्स्ट आप देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में क्या बन सकता है बॉन्डिंग क्वेश्चन, देखिए ईथर क्या होता है, आर ओ आर। अब इसको कंपेयर करो, देखो आप वाटर क्या होता है, एच ओ एच। वाटर की स्ट्रक्चर सबने पढ़ी है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। वाटर में कैसा हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, sp3। और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104°5'। ये रीजन आपको मालूम है कि 109°28' से जो है कम क्यों हो जाता है, कम का रीजन आपको मालूम है लॉन पेयर रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। बिल्कुल जितने भी ईथर्स हैं उन सब में भी, इन सब में जो भी ऑक्सीजन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या चीज़ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल वाटर से इनकी स्ट्रक्चर एनालॉगस है। फर्क क्या हो गया, ये जो एल्काइल ग्रुप आ गए ये बड़े होंगे वो HH से नेचुरली, तो एल्काइल एल्काइल ग्रुप के रिपल्शन के कारण इनका जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। अब मान लो आपने पहला पहला ईथर लिया CH3O CH3 CH3O CH3, तो डाइमिथाइल ईथर। अब एंगल 109 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो रिपल्शन है वो इतनी ज़्यादा होगी कि इट्स एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 112 डिग्री। इसका एंगल कितना हो गया, 112 डिग्री। और एग्जांपल लो, मान लो आपने ले लिया ट्रशरी ब्यूटाइल ईथर, मान लो कौन सा ईथर लिया आपने, ट्रशरी। अब ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप तो और बल्कि हो गया, बल्कि से मतलब क्या होता है, और बड़ा हो गया, बल्कि बहुत बड़ा हो गया, इनके बीच में रिपल्शन और ज़्यादा होगी, तो और ज़्यादा होने से ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 132 हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 132 डिग्री, डाइट्रशरी ब्यूटाइल ईथर। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि 3 अलग अलग ईथर दे दिए और आप बताओ कि बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लिखो, जैसे ये ईथर दे दिया, एक ये ईथर दे दिया आपको ए, एक ये ईथर दे दिया बी, एक मान लो एल्कोहल ही दे दिया आपको एल्कोहल। तो एल्कोहल का ईथर नेचुरली एंगल जो है वाटर से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन ईथर से क्या होगा, कुछ कम होगा, कितना कम हो ये नहीं कह सकते, लेकिन सिंपलेस्ट ईथर से कम होगा, 112 से कुछ कम होगा। मान लो अप्रॉक्सीमेटली हमने लिख दिया 109 डिग्री लिख दिया, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है मैंने, एक्स एंड सी। तीन हमने, एक एल्कोहल दे दिया, 2 ईथर दे दिए, या इनके बीच के और ईथर दे दिया, ईथर का रूल पता चलेगा आपको। तो इससे हम क्या लिखते हैं, इनके बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन बन जाएगा, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल का, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर का आंसर क्या हो गया आपको पता चल गया, डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा किसका हो गया, बी का, बी से ज़्यादा किसका हो गया, ए का, और ए से ज़्यादा किसका हो गया, सी का, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कंसेप्ट समझना होता है आपको, आपको कोई बॉन्ड एंगल याद थोड़ी करना है, बॉन्ड एंगल का मैग्नीट्यूड याद नहीं करना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको आना चाहिए भी किसका कम है, क्यों है, कैसे कम ज़्यादा हुआ, ये आपको समझ में होनी चाहिए ईथर के बारे में, ठीक है। यहाँ से अपन नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो क्या करेंगे,
मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर, प्रेपरेशन ऑफ ईथर से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ये ईथर और इपॉक्साइड्स का पार्ट वन लेक्चर है आपका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर एक चैप्टर के एंड में, हर वीडियो के एंड में मैंने बोला है कि जब भी आप कोई चैप्टर का वीडियो देखें तो उसको आप शुरू से देखना शुरू करें और फिर उस चैप्टर के लास्ट तक चलते जाएँ, तब आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इस चैप्टर को देखना और पढ़ना। आपको लगेगा बिल्कुल क्लास की तरह ही क्लास हो रही है, क्लास में तो फिर भी एक बार आपने देख लिया, मान लो ये एक्सप्लेन मैंने किया उसके बाद मिटा दिया, नेक्स्ट क्लास हुई भूल गया। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा है आपको कि इस चीज़ को आप एक बार नहीं समझ पाए, मैंने जो बात बोली उसको दो बार सुनेंगे, तीन बार सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।